अगर हम अभी से काउंट करें, जब मैंने ये वीडियो बनाया है तो 150 डेज में ये वीज़ा जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चांस के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। पहले एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड चांस एंड काटे करके, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। आज उसी का अपडेट लेकर हम लोग आए हैं। जब भी आप किसी नई कंट्री में मूव होना चाहते हैं, वो भी यूरोपियन कंट्री, और आज मैं बात कर रही हूँ जर्मनी के बारे में, तो आपको एक राइट समय पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको मूव करना चाहिए, राइट तरीका किस वीज़ा पे आपको मूव करना चाहिए, और हाँ राइट लोग जो आपको गाइड करें, जो कि ऑफ कोर्स हमारे चैनल से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनके बेसिस पर ही आपको अगर सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही टाइम पे आप अप्लाई करते हो, तो आप भी जो है वो सक्सेसफुल रह पाओगे। तो आज हम जो है वो इसी के बारे में बात करेंगे। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, जो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको ये बताया था लास्ट ईयर कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होगी इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की या चांस इन काटे की। हमने उसमें ये भी बताया था क्यों जर्मनी जो है वो इंडिया के लोगों को जो है वो वेलकम कर रहा है। रीज़न, यहाँ पर जो है वो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत है। अभी जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, और ऑफकोर्स बिकॉज ओल्ड हैं तो वो लोग अभी रिटायरमेंट एज पे हैं। जो यंग लोग हैं वो दूसरे प्रोफेशन चूज करते हैं, तो स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है। और स्किल लेबर के अंदर जो है वो नर्सिंग एरिया भी आता है, आईटी प्रोफेशन भी आता है, मैकेनिकल एरिया भी आता है, और भी बहुत सारे एरियाज आते हैं जो हमने उस वीडियो में बात करी थी। और हमने एक और बात करी थी कि आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हो, लाइक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। अब हमारे पास कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी। कुछ टेस्ट केसेस जो है वो देखेंगे, बट अभी वीडियो में थोड़ा बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। तो जैसा कि सुरभि ने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है लोगों के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं जर्मनी मूव होने का, और इससे बेटर टाइम मैंने अभी तक नहीं सुना है कि इतना इजी प्रोसेस कर दी गई है जर्मनी की तरफ से यहाँ पर इजीली मूव होने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो बहुत ट्राई करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर अब वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली अवेलेबल है, जिसकी लिंक हम वीडियो में आपको डाल ही देंगे, और आपको बाकी सारा डिस्क्रिप्शन भी डिटेल में बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में। जैसा कि पॉइंट्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि किस किस स्पेसिफिक एलिजिबल पॉइंट्स पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन अभी भी ऑथेंटिकली प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है कि आपको इस चीज़ के 3 पॉइंट या 4 पॉइंट मिलेंगे, पर मोस्ट प्रॉब्ली जैसा कि इन्फॉर्मेशन हमने दी थी वो काफ़ी हद तक मैच होती है। अब गुड पार्ट ये है कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हमने बताया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है, ऑफ कोर्स जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि जर्मन लैंग्वेज आपके लिए हमेशा एडवांटेज रहेगा। मैं हमेशा से हमने सारे वीडियो में बताया, अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपकी एज 35 से कम है या ज़्यादा है, तो एज भी एक फैक्टर है। अगर आप यंग एज में हैं तो ऑफ कोर्स वो एक हमेशा एडेड एडवांटेज रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद चीज़ें आती हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी क्या है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड किया है इन्होंने। तो जो इनके कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो ये बड़े मेजर फैक्टर्स हैं आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि अगर आप पहले जर्मनी में कुछ 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हो तो उसका भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। प्लस आपकी स्पाउस, उनका स्किल लेवल क्या है, वो सेम प्रोफेशन में है या नहीं है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, और उनको जर्मन लेवल कहाँ तक आती है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा आपको एक कैटेगरी दी जाएगी, उस कैटेगरी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा आप किस प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरीज़ में आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा टीचिंग है, नर्सिंग है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई सेक्टर है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सेक्टर है, या फिर अदर्स। तो ये एक आपको कैटेगरी में, आपके कैटेगरी वाइज आप अपने आप को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो हुई हैं आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें अगर मैं बताऊँ, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देख कर कि सबसे पहला ऑप्शन है इंडिया।
उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के ऑप्शन है जैसे कि फिलीपींस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और अदर्स। तो सबसे पहला ऑप्शन इंडिया है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कहीं ना कहीं लोगों को वहाँ से अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है ये कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद से देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है मैं कहूँगा यहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। आप जाइए उनकी वेबसाइट पे, जो सुरभि हम बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको चूज़ करना है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप डिफरेंट परमिटेशन और कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप एलिजिबल नहीं हुए और आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है तो आप उसमें चेंज करके आप कोई यूनिवर्सिटी डिग्री डालकर देखिए, और आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप कोई डिग्री ले लीजिए यूनिवर्सिटी की, उसका आपको एडवांटेज होगा। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है और आप एलिजिबल नहीं हुए तो आप जर्मन लैंग्वेज यस करके सेलेक्ट करके और प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ाकर अप्लाई करके देखिए, अगर आप एलिजिबल होते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। आपके अकाउंट में 11,280 यूरो से ज़्यादा आप शो करने पड़ेंगे आपको, तो जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपको डेफिनेटली दिखानी पड़ेगी। वो भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर, मैं मेन फैक्टर नहीं बोलूँगा, वो भी वन ऑफ द फैक्टर है कि जो डिसाइड करेगा आपको चांस एंड कांटे मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा कि दीपक ने बताया कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे आपको जज करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और जैसा कि दीपक ने बताया कि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है। मेन रीज़न ये है कि इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो भी स्किल्ड लेबर पे। प्लस अदर कंट्रीज़ अगर हम देखें तो जैसे नाइजीरिया है, टर्की है, फिलीपींस है, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ के लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जो हमें देखने मिलता है, और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जैसे आईडी प्रोफेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ऑफ कोर्स टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, इसकी इनकी रिक्वायरमेंट बहुत है यहाँ पर, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट बहुत है जो कि हमें देखने मिलता है। अब क्विकली हम मूव करते हैं जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट कर रहे हो कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और सबसे अच्छी बात यह है, जब मैंने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करी तो मेरे पॉइंट्स थे वो 10 पॉइंट्स आए, कमाल की बात है ना। बट ये जब हुआ, जब मैं यहाँ पर ऑलरेडी रह रही हूँ, मैंने जर्मन सीख ली है, मैं ऑफकोर्स जॉब भी कर रही हूँ एक स्किल लेबर पे, प्लस मेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ है। बट आप भी इंडिया में बैठे बैठे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेट्स वो स्टार्ट करते हैं। और मुझे, मैं बोलती हूँ कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, बिकॉज जब आप सब अपनी इंफॉर्मेशन दोगे एट द एंड ऑफ, वो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एक बात और दीपक ने बताई थी कि यहाँ पर आपको चांस एंड कांटे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि कितनी एप्लीकेशन आई है। और दीपक ने ये भी बताया था कि आप जो है वो एक अच्छी डिग्री लो। मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं मानती, बिकॉज मैंने देखा है कि यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री हो गई, एक मैकेनिक हो गया, एक नर्सिंग हो गए, नर्सिंग एरिया में हो गया, एक टीचर हो गई, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही स्किल्ड लेबर पे काम कर रहे हो तो ही आपको इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा जो है वो सब लोगों के लिए है। और जर्मनी में 2 मिलियन से भी ज़्यादा वेकेंट जॉब्स हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत सारे प्रोफेशन में होगी। हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर हम अभी से काउंट करें, जब मैंने ये वीडियो बनाया है, तो 150 डेज में ये वीज़ा जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन मिस मत करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना जो यहाँ पर आना चाहते हैं, वो चाहे स्किल लेबर हो चाहे अनस्किल लेबर हो, बिकॉज जॉब्स जो हैं जर्मनी में बहुत सारी हैं। तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख रहे हो जो कि है chancenkarte.com, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नीचे जाओगे तो एक्चुअली आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हो। तो आप जब यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कार्ड चेक, और नीचे आप दिख रहे होगे कि स्टार्टन, स्टार्टन का मतलब होता है टू स्टार्ट। तो फर्स्ट केस आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे बेसिकली पूछेंगे कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग या 2 साल ड्यूरेशन की कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री या कोई भी एजुकेशन करी है, तो आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं अप्लाई कर देख रही हूँ यूनिवर्सिटी डिग्री। देन आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या प्रोफेशनल, तो मैंने लिख दिया राइट 2 to 5, एक आइडियल केस जो है वो मैं ले रही हूँ। देन द थर्ड इज़ कि आप कौन से प्रोफेशन में हो, तो मैंने आईटी चूज़ कर लिया इसमें।
देन आप कौन सी कंट्री में से हो, तो इंडिया सबसे फर्स्ट पे आ रहा है तो इंडिया। जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी मैंने B1 चूज़ करी है, देन इंग्लिश फ्लुएंट B2 करी है, एज फॉर 28 लिखती हूँ मैं यहाँ पर। देन आपको रह चुके हो क्या 6 महीने के लिए पहले कभी, तो मैं इसमें नो लिख देती हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया से आओगे तो आपका स्पाउस रह चुका है वो भी मैं नो लिख देती हूँ। आपके पास इतना फंड है क्या उसमें मैं यस लिख देती हूँ। एंड देन मैं अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जब मैंने सबमिट किया तो मैंने देखा कि मुझे 6 पॉइंट्स मिले हैं इसके बेसिस पर, एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो ये एक टेस्ट था, आप अपनी एलिजिबिलिटी भी जो है वो इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर में जो है वो चेक कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो, और लास्ट वीडियो भी आपने बहुत पसंद किया था। आई एम होपिंग कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा जैसे जर्मन सीखना एंड ऑल। बाकी मेरे को बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा है ये कैलकुलेटर देख के, और लग रहा है कि हाँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। तो आप इस पे अप्लाई करो, एलिजिबिलिटी चेक करो, और आप अपने अपने पॉइंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरे को 10 पॉइंट्स मिले हैं, दीपक को भी आई गेस 9 या 10 पॉइंट्स मिले हैं, तो आप भी जो है वो चेक कर सकते हो और नीचे कमेंट कर सकते हो तो कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको भी वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आ रहा है या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और जैसा मैंने आपको बोला कि आपको राइट जगह जाना चाहिए सही इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करो। हम छोटे छोटे रील्स बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोज़ मिलते रहें।